एमपी में गायों की दुर्दशा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही 400 एकड़ में एक बड़ी गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सड़कों पर बैठी गोवंशों को रखा जाएगा। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि गौपालक पालतू गाय को भी सड़क पर छोड़ रहे हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सरकारी कोशिश के बावजूद भी लोगों ने सहयोग करना छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि सभी नगर निगम में यह निर्देश दिए गए हैं कि गायों को उठाने के लिए जल्द ही मशीनों का टेंडर जारी किया जाए। इन मशीनों के साथ एक डॉक्टर और एक अटेंडर भी उपलब्ध रहेंगी, ताकि घायल और बीमार गाय को तुरंत ही इलाज दिया जा सके। इसके अलावा नगर निगम में गायों को उठाने के लिए पहले 8 कर्मचारी होते थे, अब 16 कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखते गाय सड़क पर ज्यादा दिख रही है, मतलब मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल सहयोग करना ही छोड़ दिया। अपनी पालतू गाय को भी रोड पर छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, और जो हम लोग बेसहारा गौ माता है, उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान कर रहे हैं कि बड़े बड़े वन्य विहार मतलब 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ में बना करके, और उसको फेंसिंग करेंगे। हम फेंसिंग करके वही पानी की व्यवस्था और उनके साइड वेड बना के कुछ उनको उसकी व्यवस्था, चारा की व्यवस्था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।